मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैंने वापस से DSLR उठाया, GoPro नहीं उठाया क्योंकि मैं अभी तो घर में ब्लॉग कर रहा हूँ। बाहर का कुछ नहीं पता कि बाहर जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, अभी तक कोई प्लान नहीं है। सुबह के करीबन 9 बज रहे हैं और आज बहुत सारे काम हैं जो मुझे फिनिश करना है, जिनमें सबसे पहला काम क्या है कि बैकयार्ड क्लीन करना है। बैकयार्ड मतलब कि ये जो घर के पीछे का एरिया, ये क्लीन करना है। इसके बाद में मैं सोच रहा हूँ कि कार की डिटेलिंग कराऊँ, यदि मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गया तो, नहीं मिला तो घर में क्लीन करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। और यदि उसके बाद में फिर कुछ प्लान बना कहीं जाने का तो बाहर जाएंगे, और ऐसा कुछ आज का प्लान है। और जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उन लोगों को बता दूँ, मेरा नाम शुभम त्यागी है, मैं मेरठ से हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, उसके पहले मैं पुणे में जॉब करता था। बहुत दिनों से इंट्रोडक्शन नहीं दिया था तो सोचा मैंने आज दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आते रहते तो उनको भी पता चलता रहना चाहिए मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। चलो अभी देखते हैं, चाय वाय पी के लगते हैं काम पे। तो आधा एरिया क्लीन कर दिया मैंने ऑलमोस्ट, जैसा भी हुआ मुझसे। इधर ये घास डाल दिया, अभी भर के फेंकूँगा बाहर। और उधर का भी आधा एरिया बाकी है जो मुझे अभी क्लीन करना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको शाम को क्लीन करूँगा। वैसे ही गार्डन क्लीन करने का मेरा प्लान ये वीक का नहीं था, मैं सोचा था कि नेक्स्ट वीकेंड को क्लीन करूँगा। इस वीकेंड को मैं सोचा था कहीं तो बाहर जाऊँगा, बाहर जाकर ब्लॉग वगैरह करूँगा, बट आई हैव टू प्रीपोन्ड इट बिकॉज सोसाइटी का मेरे को ईमेल आया था, मतलब शायद बाकी सबको भी आया होगा कि जिसका भी बैकयार्ड क्लीन नहीं है वो मंडे को आएंगे, मेंटेनेंस डे है एंड दे विल क्लीन इट, एंड उसका वो चार्ज करेंगे अच्छा खासा, $50-70 जो कुछ भी है। चलो ये तो होता रहेगा। बाय द वे कोई तो मेरे को पूछ रहा था अभी कुछ दिन पहले, शायद इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में कहीं पे, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे USA में वो बंदा आने वाला है शायद कुछ टाइम में, तो वो मुझको पूछा था कि यहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस कैसे बनता है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं नहा वहा के आ जाता हूँ क्योंकि मैं अभी तक नहाया नहीं और पूरा ऐसे पसीनों पसीनों में हो रहा हूँ ना, तो अच्छा सा नहीं लग रहा। तो पहले नहा के आता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ड्राइवर्स लाइसेंस कैसे मिलता है। तो भैया बहुत दिन के बाद मैं ऐसे बैठ के बातें कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं यूजुअली नहीं तो बाहर जाता हूँ या घर में भी कैमरा से पकड़ करता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा से बैठ के बातें करते हैं। और जो इसका ड्राइविंग लाइसेंस का लेके जो क्वेश्चन था भाई का, उसका क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस है यहाँ का, USA का। और इंडिया का ड्राइवर्स लाइसेंस मेरा ऐसा इतना बड़ा पर्चा सा था, इतना बड़ा लिटरली A4 साइज पेपर होता है जो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे अपने यहाँ पे RTO होता है तो यहाँ पे होता है BMV, BMV मतलब ब्यूरो ऑफ मोटर व्हीकल। तो वहाँ पे बनता है ड्राइवर्स लाइसेंस, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन या मोटर के रिलेटेड, मोटर व्हीकल के रिलेटेड जो भी है सारे काम वहीं पे होते हैं, ड्राइवर लाइसेंस से लेके और तुम्हारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तक। तो यहाँ पे ड्राइवर्स लाइसेंस लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपको परमानेंट मिल जाएगा या फिर लर्निंग मिल जाएगा। अब परमानेंट किसको मिल सकता है और लर्निंग किसको मिल सकता है, यदि आपके पास इंडिया का ड्राइवर्स लाइसेंस है वैलिड तो आप उस ड्राइवर्स लाइसेंस को दिखा के और यहाँ पे BMV में जाके डायरेक्ट बोल सकते हो कि मुझे ड्राइवर्स लाइसेंस लेना है परमानेंट और मेरे पास ये फॉरेन कंट्री का है। और दूसरा क्या होता है कि आपके पास सपोज ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं है इंडिया में, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हो, आपने कभी लिया ही नहीं, तो आपको यहाँ पे पहले लर्निंग लेना पड़ता है 6 महीने का और उसके बाद में फिर आप परमानेंट के लिए अप्लाई करते हो। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि प्रोसेस क्या है। मैंने डायरेक्ट परमानेंट लिया था क्योंकि मेरे पास इंडिया में ड्राइवर्स लाइसेंस था। तो सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद में आपको BMV जाके रिटर्न टेस्ट देना पड़ता है। तो रिटर्न टेस्ट आप पेपर पेन से भी दे सकते हो या आप कंप्यूटर से भी दे सकते हो, दोनों ऑप्शन रहते हैं वहाँ पे। तो आप जैसे ही जाते हो अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे डायरेक्ट जाके, मतलब वहाँ पे एक टिकट काउंटर रहता है, टिकट निकाला अपने नंबर का वेट करते जाके बैठ के, तो जैसे ही आपका नंबर बोलता है तो आप वहाँ पे जाके उनसे बोलते हो कि मुझे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए। तो फिर वो आपको पूछेंगे कि आपको रिटर्न में पेपर पेन वाला देना है या फिर आपको सिस्टम पे देना है जो एग्ज़ाम देना है, तो आपकी इच्छा है आप कैसे भी दे सकते हो। तो आपको सबसे पहले वो क्लियर करना होता है और उसमें यदि आप फेल होते हो तो आप नेक्स्ट डे जाके भी दे सकते हो। और जो पास का क्राइटेरिया है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन में कुछ तो ऐसा रहता है कि 15 क्वेश्चन आपके जो रोड पे साइंस रहते हैं ना, ट्रैफिक साइन सिग्नल्स रहते हैं, साइंस रहते हैं, साइन बोर्ड उनके रहते हैं, और 35 क्वेश्चन रहते हैं जो आपके नॉर्मल रूल्स होते हैं ड्राइविंग के। तो आपको दोनों में ही क्राइटेरिया होता है और दोनों का जो प्लस करके जो क्वेश्चन ठीक होने चाहिए वो शायद कुछ तो 42 के आसपास रहते हैं, कि 35 में शायद से 30 या 28 सही होने चाहिए, ऐसे ही 15 में से शायद से 12 सही होने चाहिए, ऐसा करके 35 में से 30 और 15 में से 12, तो 42 क्वेश्चन आपके सही होंगे तो ही आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए जा सकते हो। अदरवाइज आप रिटिन से ही, यदि आप फेल हो गए तो आप वापस आओ फिर नेक्स्ट डे जाके दे हो या जब भी 15 दिन में जब आपकी इच्छा कभी भी जाकर दे सकते हो रिटिन टेस्ट। तो जैसे आपका रिटिन टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप फिर जैसे क्लियर हुआ
स्क्रीन पे आके लिख के आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास द टेस्ट है ना, तो वो तुरंत वो नोटिफिकेशन पहुंच जाता है जिस बंदी ने आपके लिए वो टेस्ट इनेबल किया था वहाँ पे सिस्टम पे, तो वो तुरंत आपको बुलाते हैं, बुलाता है बुलाती है जो भी है, तो वहाँ पे जाके वो आपको पूछेगा कि आपको कब देना है ड्राइविंग टेस्ट, तो वहाँ फिर आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है जो कि 15-20 दिन जितने का भी ले सकते हो, उसका एक टाइम लिमिट रहता है शायद से, जो आपका रिटन टेस्ट है वो शायद से 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट 6 महीने या 3 मंथ्स है, शायद से 6 रहता है, बट वो आप इंटरनेट पर देख सकते हो कितना है, तो वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेके 15-20 दिन का या महीने का और जितना एक बार प्रैक्टिस करके और जाके ड्राइविंग टेस्ट दो, तो ड्राइविंग टेस्ट के लिए साथ में बंदा बैठता है आके, और वो फिर आपके सारे आप कहाँ पे रुक रहे हो, स्टॉप साइन पे कैसे रुक रहे हो, लेन चेंज इंडिकेटर देके कर रहे हो, उसके बाद पैरेलल पार्किंग कैसे कर रहे हो, और आप रेड लाइट पे कैसे रुक रहे हो, टर्न पे कैसे रुक रहे हो, कौन सी लेन से निकल के कौन सी लेन में घुस रहे हो टर्न पे, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, स्कूल जोन में आप कितना चला रहे हो, कितने स्पीड लिमिट में चला रहे हो, स्पीड लिमिट कितनी फॉलो कर रहे हो, तो सारी चीज़ें देख के यदि सब कुछ परफेक्ट है तो डायरेक्ट अंदर ले जाके आपको एक टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस दे देते हैं जो कि कुछ महीना 15 दिन के लिए वैलिड रहता है जब तक आपका ये नहीं आता कार्ड वाला, और उसके बाद फिर आपका मेल बॉक्स में ही आ जाता है, और यदि आप फेल हो जाते हो ड्राइविंग टेस्ट पे तो आप 15 दिन बाद का वापस से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। बहुत लोग फेल होते हैं, इट्स अ नॉर्मल, रिटन टेस्ट में फेल होते हैं, बहुत लोग ड्राइविंग टेस्ट में फेल होते हैं, तो वापस आप अपना अपॉइंटमेंट लेके वापस से ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो। तभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट की कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए, उसके बाद आपके वो पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी लेते हैं, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, और उसके साथ में आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप अपने घर का लीज एग्रीमेंट दे सकते हो, और आईडी के लिए आप यहाँ का जब तक आप आ रहे हो सपोज नहीं आपके पास कोई आईडी तो रहेगा नहीं, तो आप अपना पासपोर्ट दे सकते हो उस आईडी प्रूफ के लिए, और ऐसे 2-3 डॉक्यूमेंट लगते हैं, और वीजा के कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं वो मांगते हैं टू चेक कि आपका यहाँ पे जो रहने की अवधि है वो कब तक वैलिड है, ये देखने के लिए वो डॉक्यूमेंट लेते हैं वीज़ा के कुछ, तो ऐसे बनता है ड्राइवर्स लाइसेंस यहाँ पे। तो जो लोग भी यदि यूएसए आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो आई होप आप लोगों को वीडियो से आइडिया आ जाएगा, तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि कैसे आप ड्राइवर्स लाइसेंस बना सकते हो यहाँ पे। तो जो लोग भी आ रहे हैं या आने वाले हैं फ्यूचर में, तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, आपको यदि प्रोसेस पता रहेगा तो आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा यहाँ पे आने के बाद में। तो ये थी इसकी बातें, चलो आपका कमेंट में पूछ सकते हो, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। तो आज हमने बैठ के आपको बता दिया सारा, अभी चलते हैं और या ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर दें, छोटे रखेंगे जैसे भी कोई देख नहीं रहा आजकल ठीक है, कुछ ही नहीं आ रहा अभी, बस मेरे को बैठ के थोड़ा काम करना ऑफिस का, इसके बाद फिर वॉलमार्ट जाना है घर का सामान लेने, कपड़े धुलने जाना है, शाम को फिर क्लीनिंग करनी है शाम को फिर, और 4 बजने वाले हैं, चाय का टाइम हो रहा है। चलो तो ये व्लॉग फिर मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाया मैंने थोड़ा सा ऐसे ही कि आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बाकी इसके बाद फिर आते ही आएंगे ऐसे रेगुलर व्लॉग, बस आप सपोर्ट करते रहो, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, आपको जो भी वीडियो अच्छी लगती है आप अपने फेसबुक व्हाट्सअप ग्रुप सब के रहते हैं उसमें शेयर कर दोगे तो उसको यूट्यूब पुश करेगा आगे, आपके लाइक कमेंट शेयर इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि वीडियो कितना आगे तक जाती है और कहाँ जाके वो मर जाती है वीडियो, तो वो उस पर डिपेंड करता है, और बाकी जितने लोग आप सब तो देखो ही, और ठीक है चलो इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बूम।